स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल JLS फिल्म न्यूज चैनल में। आज किस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं पुष्पा 2 फिल्म के अंदर किस तरीके के लुक लिए हैं इस फिल्म के आर्टिस्ट लोगों ने, वो सब हम आपको बताएंगे। पर आप हमारी वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप हमारे YouTube चैनल JLS फिल्म न्यूज चैनल में पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें और वहीं पास में दी ही वाले आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको नए वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो आइए दोस्तों, बगैर टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात चल रही है आज पुष्पा 2 फिल्म की। पुष्पा 2 फिल्म के अंदर किस तरीके से जो भी आर्टिस्ट ने लुक लिए हैं, वो कैसे लिए हैं, वो सब बता रहे हैं हम आपको। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम सबसे पहले तो अल्लू अर्जुन की। और अल्लू अर्जुन ने पुष्पा 2 फिल्म के अंदर एकदम हटके लुक लिया है। जैसे आप लोगों ने पुष्पा फिल्म देखी, पुष्पा में भी अल्लू अर्जुन का बहुत ज़बरदस्त लुक था, यानी एकदम हटके लुक था। पर उससे भी ज़्यादा हटके लुक मिलेगा, वो मिलेगा पुष्पा 2 फिल्म के अंदर देखने को। और पुष्पा 2 फिल्म के अंदर अल्लू अर्जुन ने एकदम हटके अपना लुक लिया है, उसमें कॉस्ट्यूम भी एकदम हटके पहने हैं। यानी एकदम जो भी उन्होंने काम किया है पुष्पा 2 फिल्म के अंदर, वो अल्लू अर्जुन ने बहुत अच्छा काम किया है। और उन्होंने सारा, यानी जितनी फिल्में देखेंगी सारी फिल्मों से हटके जो लुक लिया है, वो लुक लिया है पुष्पा 2 फिल्म के अंदर। और पुष्पा 2 फिल्म ये आप लोगों को अब 2023 में नहीं बल्कि 2024 में देखने को मिलेगी, क्योंकि अल्लू अर्जुन अब इनकी डेट आगे बढ़ गई है, ये 2024 में रिलीज कर रहे हैं। और ये फिल्म एकदम ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि इस फिल्म के अंदर अल्लू अर्जुन ने और अल्लू अर्जुन के साथ में उनकी जो भी पूरी टीम है, सब ने बहुत अच्छे से काम किया है पुष्पा 2 फिल्म के अंदर। और पुष्पा 2 फिल्म एकदम फुल एक्शन वाली फिल्म है और एकदम बहुत बढ़िया फिल्म है। इस फिल्म के अंदर जितने भी एक्शन के सीन हैं, वो बहुत बेहतर सीन है, बहुत मज़ा आने वाला है इस फिल्म के अंदर। और अल्लू अर्जुन ने जितने भी एक्शन के सीन किए हैं, वो पूरा अपना बेहतर से रिहर्सल करके उसके बाद में ही सीन किए हैं। और इनकी जो भी फिल्में रहती हैं बहुत ज़बरदस्त रहती हैं, उसी तरीके से ये फिल्म तो और भी ज़्यादा बेहतर होने वाली है। 2024 की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है, एकदम हिट होने वाली है।